सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एट क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 और ये FA2 का लास्ट है और SA1 का भी आज आपका सिलेबस पूरा हो गया है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, दो असमांतर वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। दो असमान वृत्त हमारे को दिए हुए हैं, तो हमने दो असमान वृत्तों को लेने के लिए पहले उनके केंद्र लेने हैं। इस तरह से हम केंद्र ले लेंगे, ये हमने दो केंद्र ले लिए है और हम इन केंद्रों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये नाम दे देंगे हम ए, इस केंद्र का नाम हम दे देंगे बी। अब ये दो असमानांतर है तो एक वृत्त हमारा बड़ा बनना है, एक हमारा छोटा बनना है, तो मैं यहाँ पे बी पे एक छोटा वृत्त बना देता हूँ इस तरह से, और एक आपका वृत्त थोड़ा बड़ा बन जाना है तो मैं यहाँ पे बड़ा सा वृत्त बना देता हूँ। ये देखिए ये दो असमान वृत्त है और दूर स्थित है। हमने कैसे इसको हल करना है, हमने सबसे पहले जो हमने केंद्र मिला रखे हैं और ये रेखा हमारे पास आ रही है ए बी, इस रेखा का हमने समद्विभाजन कर देना है इस तरह से। ये हमारा समद्विभाजन हो गया है, हम इसको मिला देंगे जहां पे ये समद्विभाजन वाली रेखा आपके ए बी रेखा को काट रही है, पॉइंट आप आ गया ओ पर प्रकार करके आपने वृत्त लगाना है। ए जितने प्रकार खोलो चाहे, बी जितने प्रकार खोल के आपने वृत्त लगाना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जो आपका बड़ा वृत्त है इस वृत्त की जो परिधि है यहाँ पे नाम दे रखा है हमने n, हम यहाँ नाम दे देते हैं। अभी हमने जब दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींची थी तो हमने यहाँ से अंदर को जो है वो छोटे वृत्त के अर्ध व्यास के बराबर अंतर लिया था। अब हमने छोटे वृत्त के अर्ध व्यास के बराबर प्रकार खोल के हमने यहाँ से n पॉइंट से बाहर को अंतर लेना है और इस अंतर का नाम हम दे देते हैं k। अब आपने क्या करना है, ये a पर प्रकार रखो और n k जितनी प्रकार खोल ली और यहां से आपने एक चाप लगानी है दोनों वृत्तों के अर्ध व्यास के जोड़ के बराबर। अभी इतना अर्ध व्यास फिर ये इसमें जोड़ दिया तो इतना बन गया, दोनों अर्ध वृत्तों के अर्ध व्यास के जोड़ के बराबर हमने चाप लगा दी है और जहां भी चाप कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया है R। हमने क्या करना है, R और A को आपस में मिला देना है डॉटेड लाइन में इस तरह से। अब जहां पे ये रेखा इस वृत्त को काट रही है ये पॉइंट हमारा आ जाता है F और आर एफ के समानांतर हमने रेखा लेनी है B से, ये देखिए यहां पे, और ये रेखा का नाम हम दे देते हैं बी ई। अब हमने क्या करना है, E और F को आपस में मिला देना है और ये जो आपकी रेखा आ रही है ये रेखा है दो असमान अस्पष्ट वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा।